हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़िंदगी सुंदर होती है लेकिन उसे और ब्यूटीफुल बनाना पड़ता है, तो वैसे ही अपने घर को इस त्यौहार ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने किए हैं कुछ DIY। इस तरह के DIY टेबल जो है ट्रेंड में चल रहे हैं, सो मैंने सोचा इस त्यौहार इसे मैं बना ही लेती हूँ। तो इस तरह की मैंने कुछ कार्डबोर्ड जो वेस्ट होती है मैंने उसे ले लिया है, इसे इस शेप में कट कर लिया है मैंने 4 स्ट्रिप, और इससे मैं बनाने वाली हूँ रिक्शा वाली ट्रे। उसे बनाने के लिए मैंने इस तरह के कार्डबोर्ड स्ट्रिप कट कर लिए हैं, और फ्लिपकार्ट के जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके पास इस तरह के बॉक्सेस अवेलेबल होंगे। उस तरह का मुझे कोई परफेक्ट साइज़ कट नहीं करना पड़ा, मुझे इस बॉक्स में ही बॉक्स ही मिल गया था, तो मैंने उसको अपने हिसाब से कट कर लिया। उसे लेवल में लाने के लिए मैंने इसमें और कार्डबोर्ड फिक्स कर लिया है, और इसे मैंने ग्लू गन की हेल्प से बनाया है। आप चाहे तो फैबी बॉन्ड यूज़ कर सकते हो, सिंपल ग्लू यूज़ कर सकते हो, इतना है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो फिक्स हो जाता है। तो मैंने इन 4 स्ट्रिप को साइड में पूरा अच्छे से फिक्स कर लिया है। ये मैंने फ़िक्स कर लिया है, और इसकी जो 4 चक्के होते हैं ना व्हील्स, उसे मैंने कट कर लिया है सर्कल में। वो मेरे पास सनमाइका रखी थी तो मैंने सोचा वो स्ट्रांग हो जाएगी, नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का ही यूज़ कीजिए। कार्डबोर्ड में वॉल पुट्टी लगा के आप उसको जो है स्ट्रांग कर सकते हो, थोड़ा ग्लू मिला लेना वॉल पुट्टी में आप, तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और उसे स्टेबल रखने के लिए मैंने मेरे पास वॉलपेपर का ये रोल रखा हुआ था, तो मैंने उसका यूज़ कर लिया है ताकि वो अच्छी तरह से हैवी भी हो जाए तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के व्हील मैंने यूज़ कर ली है, और इसमें जो है मैं इस तरह से इसको ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर दूँगी। मेरे पास इस तरह से सनमाइका की छोटी छोटी जो है ना पीसेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इस बार इसे यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने इसमें इसे यूज़ किया है। आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं होगा तो आप सिंपल इसमें वॉल पुट्टी से पूरा कवर कर दो, और चाहे तो वॉल पेपर लगा दो, या कोई अपने हाथों से डिज़ाइन कर सकते हो, ज़्यादा बेटर लगेगा। और उस पर वार्निश का कोट ज़रूर कर देना। ये मैंने इसमें यूज़ कर लिया है, इसको पूरी अच्छी तरह से मैंने फ़िक्स कर लिया है, और मैंने पूरी साइड में जो है ना वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। जो इस तरह के जो कार्डबोर्ड के एजेस दिख रहे हैं ना, तो वो नहीं दिखेंगे वॉल पुट्टी यूज़ करने से। ये मैंने माचिस की जो है स्टिक ले ली है, और इसे जो है ना मैंने व्हील पर लगा दिया है ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप कोई क्ले मोल्डेड क्ले से भी इसे बना सकते हो, तो मैंने इसे इजी मेथड में बना दिया है। और यहाँ पे मैंने मिरर ऐड कर दिया है, वॉल पुट्टी का डो मैंने बना लिया है, और उसे मैं यहाँ पर अच्छे से लगा दूँगी। आप चाहे तो वॉल पुट्टी से ही डिज़ाइन भी कर सकते हो। ऐसी ही महंगी महंगी चीज़ें हम मार्केट से क्यों खरीदें, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, और आप भी खुद बनाने का ट्राई ज़रूर करना। और ऐसे ही मैं फेस्टिव में बहुत सारे एक्सपेंसिव डेकोर आइटम DIY लेके आने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, इस फेस्टिव मुझे सपोर्ट ज़रूर करना ताकि मैं अभी तक 1K कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो वो हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब है कलर, वो आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हो। मैंने इसमें ब्लू कलर लिया है क्योंकि इस बार मेरा थीम जो है ना रूम का मैं चेंज करने वाली हूँ, तो उसका भी मैं एक ओवर आपको दिखाने वाली हूँ कि छोटे से रूम में आप कैसे जो है अपना डेकोर कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ों से जो खुद ही मैंने बनाया है। और मेरे जितने भी क्राफ्ट हैं मैं वो सब आपसे एक दिन शेयर करने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे ले लिया है 3D कोन, आप सिंपल आप डिज़ाइन कर सकते हो या फिर पेंट कर सकते हो, गोल्डन सिल्वर जो भी है। इस तरह से मैंने इसमें सिंपल सा डिज़ाइन कर दिया है, मुझे ज़्यादा डिज़ाइन आती नहीं है, तो मैंने ये वाले डिज़ाइन। मेरे इस आर्ट क्राफ्ट को एक कला का नाम और मुझे एक पहचान दिलाने के लिए आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसमें आप वार्निश लगा लो, कुछ मिरर्स लगा लो, और लेसेस भी लगा सकते हो, और ये रेडी है। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक और कैसा लगा है। ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये इसका फाइनल लुक, ये मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपको इसी तरह के फेस्टिव डेकोर DIY के साथ, बैक टू बैक, और हमेशा खुश रहे और खुश रखने की कोशिश करें अपने आप को। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।